जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट एक्टिविज्म। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रामचरितमानस के चौपाई की, जिसमें सुंदरकांड है। सुंदरकांड में एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। दोस्तों इसका अर्थ अलग अलग आचार्य द्वारा, अलग अलग साधु संतों द्वारा अलग अलग अर्थ बताया गया है, और इसमें बहुत फन फैक्टर भी है। वो फन फैक्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर इस वीडियो को मैं स्पेशली लड़कियों को डेडिकेट करना चाहूंगा, और लड़कियों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि लड़कियों को इस वीडियो को डेफिनेटली सुनना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही हमारे समाज में सबसे ज्यादा रामचरितमानस पढ़ती है और सबसे ज्यादा धार्मिक वही होती है। इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को हर एक लड़की के साथ शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं रामचरितमानस सुंदरकांड सूत्र की ओर। सूत्र क्या कहता है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। इसमें जो ताड़न शब्द है, ताड़न को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ताड़न का मतलब बता देता हूँ। ताड़न का ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के हिसाब से मतलब होता है मारना। अगर आप कोई भी हिंदी की डिक्शनरी उठाकर देख लोगे तो आपको मिलेगा ताड़न का मतलब मारना। इसके बावजूद ये साधु संत आचार्य कहते हैं कि ताड़न का मतलब मारना नहीं होता, ताड़न का मतलब होता है देखना। कुछ कुछ साधु संत कहते हैं कि ताड़न का मतलब देखना भी होता है और मारना भी होता है। अब मेरे ख्याल से ताड़न का मतलब देखना कहाँ होता है, तो वो होता है पान टपरी पे, जो लड़के लोग पान टपरी पे रहते हैं, क्योंकि ताड़ना कि भाई क्या किस लड़की को ताड़ रहा है, क्या किसको ताड़ रहा है, इस तरह की लैंग्वेज, ये स्लैंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि तुलसीदास ने रामचरितमानस स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिखा होगा। तो ताड़न का मतलब शास्त्र शुद्ध लैंग्वेज में मारना होता है, ना कि देखना होता है। अगर देखना होता है तो स्लैंग लैंग्वेज में होता है जो पान टपरी पर इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों देखना भी किसको, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वी बिलीव कि ताड़न का मतलब होता है देखना, तो क्या देखना? ढोल। ढोल को क्या देखना है? खाना खाते वक्त खाने को देखना, या पानी पीते वक्त पानी को देखना कि भाई उसमें मक्खी तो नहीं है, खाना खा रहे खाने में कुछ गिरा तो नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड खाने को देखना, अब ढोल को देखना। उसके बाद है गवार, गवार को देखो। अब गवार क्या होता है? गवार का मतलब होता है इलिटरेट, अनपढ़, अनपढ़ व्यक्ति। और उसके बाद है शूद्र, शूद्र का मतलब क्या होता है? तो जो गुण से गवार है, जो गुण से अनपढ़ है, उसको कहा जाता है शूद्र। अब ऑलरेडी गवार शब्द था तो शूद्र शब्दों को डालने की तुलसीदास को क्या जरूरत थी? तो शायद तुलसीदास कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गवार ब्राह्मण भी हो सकता है, गवार वैश्य भी हो सकता है, गवार क्षत्रिय भी हो सकता है, इसलिए शायद उन्होंने गवार और शूद्र को अलग रखा। और बाद में उन्होंने क्या कहा? पशु को ताड़ना है। पशु को क्यों देखना है मुझे तो नहीं पता, बट ये संत आचार्य इन लोगों को पता, इन लोगों ने इसका जवाब दे दिया है। और लास्ट में लड़की को देखो, लड़की को ताड़ो। अब एक साधु कहता है कि भाई अपने वाली को ही ताड़ो, मतलब वहां पर तो देखो रामचरितमानस सुंदरकांड में तो ये लिखा नहीं है, अपने वाली को ही ताड़ो, नारी को ताड़ने का अधिकार दिया है। अब ये अधिकार किसको दिया है? बेसिकली मर्दों को ही दिया होगा। और कहीं मर शास्त्रीय अधिकार का बहुत अच्छे से फायदा भी उठाते हैं। शास्त्रीय अधिकार होने की वजह से वो ये फॉलो भी करते हैं, लड़कियों को ताड़ते हैं, पशु को ताड़ते हैं, ढोल को भी ताड़ते हैं, गवार और शूद्र को भी ताड़ते हैं, क्योंकि इनका शास्त्रीय अधिकार है जो शास्त्रों ने मर्दों को दिया हुआ अधिकार है। दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आता ढोल को क्या ताड़ना है भाई, खाने पीने को ताड़ना, मक्खी है या नहीं भाई ताड़ो उसको देखो वो ठीक है यार, ढोल को क्या ताड़ना। अगर इस बात को आपको जानना है कि ढोल को तुलसीदास ने क्यों रखा इस सूत्र में, तो वामन मेश्राम जी का एक भाषण है, उस भाषण में वामन मेश्राम जी कहते हैं ढोल को इसलिए रखा क्योंकि लोग ताड़न का कोई गलत अर्थ ना निकाले, क्योंकि ढोल को सिर्फ बजाया जाता है, इसलिए तुलसीदास ने ढोल को इस सूत्र में डाला। और उसके साथ गवार शूद्र पशु नारी, इनको ढोल की तरह बजाना चाहिए कि भाई लोगों को गलत फहमी ना हो, ताड़न का अर्थ कोई रक्षा करना या दृष्टि रखना ऐसा ना निकाले, इसके लिए तुलसीदास ने ढोल इस शब्द को इस सूत्र में डाला, ऐसा वामन मेश्राम जी का कहना है। पर ये जो साधु संत है इनका तो कहना बहुत ही निराला है। एक साधु संत कहता है कि नहीं नहीं जो लोग कहते हैं देखना वो तो मूर्ख है, जो लोग कहते हैं कि मारना वो भी मूर्ख है, तो एक दूसरे को ये लोग मूर्ख कह रहे हैं, हमको बस इसका मजा लेना है और लड़कियों को समझना चाहिए सुंदर कांड में लड़कियों के बारे में क्या कहा गया है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। इसका मतलब अगर हम रक्षा करना भी निकाल लेते हैं या दृष्टि रखना भी निकाल लेते हैं तो मर्द आप पर हमेशा दृष्टि क्यों रखते हैं, क्यों आप पर हक जताते हैं? इसका कारण है शास्त्रीय अधिकार जो मर्दों को शास्त्रों ने दिया है, इसलिए आपके ऊपर दृष्टि रखी जाती है। लड़कियों को सही समय में घर पे आना चाहिए, अगर लड़की को लेट हो जाता है तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि शास्त्र ने कहा है लड़कियों को ताड़ना चाहिए, नारी को ताड़ना चाहिए, फिर वो अपनी ही नारी क्यों ना हो, पर उस पर दृष्टि रखो,
कोई कोई साधु संत कहते हैं ये तो रत्न है, कोई चुरा के ना लेके जाए। आज के लड़कियों को अगर पूछेगा कि भाई धर्म में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो लड़की कहेगी क्या बाप का माल है चुरा के लेके जाने को। पर शास्त्रों में लिखा है, ये जो साधु संत लोग है ये इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये रत्न है, रत्न को कोई चुराए ना, इसके लिए उस पर दृष्टि रखो या रक्षण करो। भारतीय संविधान कहता है कमजोर पर ध्यान रखो, दुर्बल पर ध्यान रखो। और दुर्बल कौन है, कमजोर कौन है, तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, कोई भी कमजोर हो सकता है। तो कमजोर पर ध्यान रखो और उनके उद्धार के लिए कुछ करो। पर शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं नारी पे ध्यान रखो, लड़कियों पे ध्यान रखो, सिर्फ लड़कियों को ताड़ो। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि ध्यान कमजोर का ही रखा जाता है ना। और एक तरफ पे मूल्यवान भी बताया जाता है, मूल्यवान के साथ रत्न है, रत्न को कोई चुरा ना लेके जाए, मतलब एक कोई चीज है। आप ये रत्न से जो कंपेयर कर रहे हैं, मतलब लड़की को रत्न की तरह चुरा के लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं साधु संतों ने इस सूत्र के ऊपर क्या कहा है। सबसे पहले इस्कॉन के अमुक लीला प्रभु, ये वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन के द्वारका दिल्ली के, इन्होंने क्या कहा, जब शूद्र और गवार को ध्यान रखने की बात की गई है शास्त्रों में, तो इन्होंने क्या कहा, मतलब ताड़ना देखा जाए तो मारने की बात की है, बट डिफेंड करने के लिए कह रहे कि भाई देखने के लिए कहा है। और उसका एग्जांपल कैसे दे रहे, इनका तर्क ये है कि शूद्र को इसके लिए देखना चाहिए, भाई तू दुखी क्यों है, तुझे खाना पीना मिला क्या नहीं, अगर नहीं मिला तो उसको खाना देना चाहिए, मतलब दुखी है ध्यान रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अमोल लीला प्रभु को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ब्राह्मण का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे पूजा पाठ हो गया, दक्षिणा मिली क्या नहीं, नहीं मिली इसके लिए दुखी है तो दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे वेश्य, भाई धंधा हुआ क्या नहीं, नहीं हो रहा है, उसके पास से कुछ खरीद लेना चाहिए, नहीं तो दुखी हो जाता है ना वो भी। क्षत्रिय का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहा है, अच्छे से फाइटिंग वाइटिंग कर रहा है, तो ध्यान उनका भी रखना चाहिए। शूद्रों का क्यों ध्यान रखना चाहिए था कि खाना पीना नहीं मिल रहा है, जब सरकार सच में शूद्रों का ध्यान रखती है और उन्हें रिजर्वेशन देती है तब तो आप हल्ला कर देते हो कि भाई इनको रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन, तब तो आपके पेट में बड़ा दर्द पैदा होता है। शास्त्रों में कहा है ना ध्यान रखो शूद्र का, शूद्र को ताड़ो, तो जब हमारी गवर्नमेंट ताड़ती है, उनको रिजर्वेशन देती है, तब तो आपके पेट में बड़ा दर्द होता है। तो ये ताड़ना का मतलब मारना ही था, एंड आप लोग ये गलत तरीके से लोगों को अभी बता रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका जो धर्म है वो डूबने के कगार पर है। फिलोसॉफिकली लोगों की श्रद्धा तो हमेशा के लिए रहेगी, पर फिलोसॉफिकली तो ये डूबने के कगार पर है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको अधिकार है बचा सकते हो, पर लोग कन्विंस नहीं हो रहे हो, तो आप कोई नया मार्ग ढूंढिए। और दूसरे महाराज अनिरुद्धाचार्य, ये जो अनिरुद्ध आचार्य है, ये तो इन्होंने कहा था कि नारी को देखना चाहिए, पर अपनी वाली ही नारी को देखना चाहिए, इसलिए अनिरुद्धाचार्य को धन्यवाद कि ये भी आपने जोड़ दिया कि अपनी वाली को ही देखो, अदरवाइज इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता था। तो थैंक यू आपको। तो इनका भी आप बात सुनिए अनिरुद्धाचार्य का, इनका भी कहना है कि भाई ताड़न का मतलब देखना होता है, मारना नहीं होता है। पर जो दूसरे जो लोग है वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं देखना नहीं, इसका तो मारना ही होता है, ये लोग तो सिर्फ बहाने कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। मतलब एक साधु संत दूसरे साधु संतों को बोल रहा है कि ये लोग बहाने कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं। आनंद धारा, यही हो साधु संत, जो भी पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने नाम रखा है खुद को, आचार्य जो भी है, इन्हीं का कहना है कि जो लोग इसका मतलब बता रहे हैं, साधु संत इसका मतलब बता रहे हैं, वो लोग तो चालाकी करके कुछ भी मतलब बता रहे हैं, असली मतलब तो ताड़न का मारना ही होता है, शास्त्र शुद्ध मतलब इसका मारना ही होता है, बाकी जो भी लोग है सब झूठ बोल रहे हैं, ये इनका कहना है। अमोघ लीला प्रभु, इनसे एक बार डिस्कशन कीजिए, और आपस में डिस्कस करके पब्लिक को खाली पीली कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, श्रोता कंफ्यूज हो चुके हैं, मारना है या देखना है या रक्षण करना है, तो आपस में एक बार मीटिंग कीजिए और इसके बाद डिसाइड कीजिए और लोगों को क्या बताना है, एक ही बताया यार, लोगों को इतना कंफ्यूज मत करो। सबसे होशियार और सबसे चालाक वो तो प्रेमानंद गोविंद शरण ये है, इन्होंने कहा कि हर टाइम इसका मतलब अलग अलग होता है, मतलब कई जगह पे मारना होता है,
जैसे ढोल को तो पीटना ही पड़ेगा ना, तभी तो ढोल बजेगा, तो वहां पे पीटना होता है। नारी के मामले में उसे देखना, उसका रक्षण करना होता है। हर एक मामले में अलग अलग मतलब होता है, इस तरह से इन्होंने बताया है। और इसका जवाब इनको आनंद धारा के लोग ना दे करके इन्होंने इनके यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन भी ऑफ करके रखा है, ताकि आर्ग्यूमेंट ना हो। और आनंद धारा जी कह रहे ये तो बस बहाने बना रहे, तो आपस में इनके मेल नहीं है। और देखा जाए तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ताड़न का मतलब मारना पीटना ही होता है, शास्त्र शुद्ध भाषा में इसका अर्थ मारना पीटना ही होता है। ताड़ना ये पान टपरी पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब देखना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि तुलसीदास ने पान टपरी वाली लैंग्वेज अपने रामचरितमानस में लिखी होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। स्त्री को सोचना चाहिए कि हमारे बारे में इस धर्म ग्रंथ में क्या क्या बातें लिखी गई है, और उस हिसाब से इस धर्म ग्रंथ को मानना है या नहीं मानना है ये डिसाइड करना चाहिए। मैं इस्लाम को मानने वाली स्त्रियों को भी यही सलाह दूंगा, क्योंकि कुरान में देखिए, बाइबल को मानने वाले लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि एक बार बाइबल को पढ़िए। स्त्री को क्यों बनाया गया, एडम्स को बनाया, उसके बाद एडम्स के एंटरटेनमेंट के लिए ईव को बनाया, मतलब ये जो भी कहानियां है, मुस्लिम की भी यही है, क्रिश्चियनिटी की भी यही है, हिंदुज्म की भी यही है, स्त्री को हमेशा दुय्यम दर्जा दिया गया है। तो स्त्रियों को समझना चाहिए इस बात को कि धर्म ग्रंथों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।